जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक टोटका बताने जा रहा हूँ। प्रयोग टोटका है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है और इसमें किसी भी दिन का बाध्य नहीं है। आप इस टोटके को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है इसको सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के मध्य में। आप इसको, इस टोटके को आपको कर देना है, रात्रि के समय में बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही आसान है और इस टोटके की मदद से व्यक्ति जो कुछ चाहता है वो चीज़ उसको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। जिस किसी भी चीज़ की वो धारणा करता है या ऐसी कोई भी चीज़ कि जिसके बारे में वो बरसों से प्रयत्न कर रहा है लेकिन उसको मिल नहीं पा रही है, काफ़ी समय से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न करता है लेकिन वह चीज़ उसको मिल नहीं पाती है। तो ऐसे ही चीज़ के लिए कई ऐसे तंत्र मंत्र टोटके और पूजा विधि अस्तित्व में आए हुए हैं कि यदि व्यक्ति इन चीज़ों का सहारा लेता है तो उसकी जो ऐसी इच्छाएं हैं वो फलीभूत हो जाती हैं और उसको बड़ी ही आसानी से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, पूजा विधि, व्रत त्यौहार, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह टोटका के जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन में दबी हुई बरसों पुरानी इच्छाओं को भी पूरी कर सकता है। ये इच्छा आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे आपके खुद का घर लेने की इच्छा है, कोई बड़ी नौकरी की इच्छा है, कहीं किसी को परदेश जाने की इच्छा है, विदेश में सेटल होने की इच्छा है, ऐसी कोई भी इच्छा है। किन्हीं लोगों की ऐसा होता है कि शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय बीत गया है, किसी को मनपसंद नौकरी चाहिए, कोई व्यापार प्रारंभ करने जा रहा है, तो ऐसी कोई भी इच्छा है जिसे इसको बोल करके यदि आप इस तंत्र को करेंगे, इस टोटके को करेंगे, तो आपकी वो इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको पांच चीज़ें लेनी है, टोटल छः लेनी है लेकिन पांच चीज़ें आपको उसमें बांधनी है। पहली है आपके नाखून, आप ले लीजिए आपके सभी हाथ के दो, यानी जितनी भी उंगलियां हैं दोनों हाथ के सभी 210 आप नाखून ले लीजिए। माथे का बाल ले लीजिए, कम से कम एक बार आपको लेना है। सिर का बाल ले लीजिए, अपने हथेली का मेल ले लीजिए। आपके हथेली को आप मस लेंगे तो इससे जो कुछ भी मेल निकलता है उसको ले लीजिए। अत्यंत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है ये चीज़। और इसके साथ साथ अपने मस्तिष्क का जो पसीना होता है उसे ले लीजिए। अपने घर में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर की मिट्टी आप झाड़ू लगा करके वहाँ की जो मिट्टी है वह थोड़ी सी ले लीजिए। और इसको अपने पुराने कपड़े में, मान लीजिए आपका कोई भी पुराना कपड़ा हो, इसमें आप रुमाल को भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी रुमाल होनी चाहिए जिसे आपने यूज़ किया हो, पसीना पोंछा हो और वो धुली हुई नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कपड़ा ले या रुमाल ले, वो धुला हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें आप ये इन चीज़ों को बांध लें और इसके बाद में कोई एक गमला ले लें और उसको गमले में इसको रख दें, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दें। अब 7 दिन तक लगातार सवेरे या शाम किसी भी एक समय सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य आपको इस क्रिया को करना है। एक ग्लास पानी लें, उस ग्लास पानी में आप 3 बार अपनी इच्छा बोल करके फूंक मारें और हर दफे अपनी सीधी हाथ की इस उंगली को पानी में डुबोएं। अब इस पानी को वह जो आपने गमला रखा है उसमें डालें। 7 दिन तक इस क्रिया को करें। इसके बाद में उस पूरे तंत्र को आप किसी भी बहते पानी में या किसी पेड़ के नीचे किसी भी अच्छी जगह पर रख दें। ऐसे तो उसको जल प्रवाहित ही आप कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा थी, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी तुरंत पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।